फाइनली विलीलो खवार गवार होने के बाद अपनी बरादरी का कुछ मिल जाए। मियां साहब शुरू हो, मियां साहब छोड़ दे नहीं जान। क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया गाड़ी को? जी भाई जान, क्या हो गया गाड़ी को? कुछ नहीं, इसकी बेस चेक कर रहे थे, वो बेस की तार टूट गई। अच्छा, सही है, दूसरी गाड़ी में चलते हैं। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि हम लोग जा रहे हैं लाहौर टू कसूर। तो सीन कुछ ऐसे है कि एक हमारे फाइनल आ रहे हैं, उसके लिए एक मूवी शूट करनी है, तो जिसके लिए हमें जाना पड़ रहा है लाहौर टू कसूर, क्योंकि लोकेशन वहाँ की है, तो सारों ने मिल के जाना। और ये है क्रू अपन का, उमर, दिस वन उमर माय बॉय, और मियां साहब से तो आप मिल ही लियो। जी भाई जान, क्या हाल है मियां साहब? और ठंड कैसी है? ठंड कैसी जा रही है? अभी तो कुछ नहीं है, इनको लग रही है जो जो नहाए हैं। हाँ। मैं तो कल का नहाया हुआ हूँ जी, तो उसी क्योंकि सुबह सुबह मैं दोबारा घर से निकला आया था, नहाने का मौका नहीं मिला, वरना मैं नहाना था। दिस वन हसीब ब्रो, क्या हाल है ब्रो? ये हमारा ना आज का लीड कंडक्टर है, क्या नाम है तेरा? शकूरा। ये है दिस वन शकूरा। मैंने एक बंदा मारना है, एक खुसरा मारना है, खुसरा। इसने ख्वाजा सरा को मारना है, इसको रोल मिला हुआ है, ये टॉप लीड एक्टिंग रोल कर रहा है। हारिस जी भाई, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक ठाक भैया, उसमें और ठंड लग रही है? नहीं, मुझे ठंड नहीं, पता लग रहा है, ठंड नहीं लग रही। मैं हल्का सा फेस वॉश करके आया हूं, मैं आपका कलर उतर उतर के ना मुंह पे आ रहा है। ओके, इसको मैं फ्रेश करता हूं। हां जी, कुछ कर यार, साफ किताब लगा उसका यार, वो हमारी टीम खड़ी है। इंशाल्लाह हम निकलते हैं, और निकलने से पहले आपको मैं बता दूंगा, और पता लगता ही रहेगा आगे अपडेट क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। मियां साहब तो हो गए हैं रेडी चलने के लिए, तो मियां साहब जाने से पहले तो दुआ पढ़ लेनी चाहिए ना। पहले मैं गाड़ी मोड़ लूं। अच्छा, गाड़ी मोड़ लो पहले। तो हम लोग अब निकलने लगे हैं। मैंने कैप पहन लिया यार, मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, मेरी नाक भी ठंड से लाल हो गई है। और ये अपन के सारे बंदे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और इसी यही सीन है बस, क्या करें, अब जाना पड़ता रहा, फाइनल पेपर है यूनिवर्सिटी के। तो जाने से पहले दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद निकलेंगे, ठीक है? और इधर आना है। ये मियां साहब इस गाड़ी में जा रहे हैं, मैं हारिस के साथ जा रहा हूँ। डायरेक्शन का हमने इसी तरह दिया। इस बार अमर भाई अभी जिक्र किया होगा, अहमद भाई ने क्या कह रहे थे अहमद भाई आप? मतलब भाई विलो रखते हैं मुंह में और बाद में चूस के वापस रखते हैं। ये क्या सीन है अहमद भाई, कोई समझ लगी आज? काफी ज्यादा हो गई है ना, बाद में यूज़ करने के बाद में। अब विलो उठाएंगे और ये चीज ये गया भाई विलो मुंह में। लेटेस्ट भाई जान, पुराने दौर में तो इंसान अब अपने भाई लोग जो बड़े लोग थे वो कोयटा से निस्वारे नसूरे ले खाते थे, अब जो न्यू जनरेशन है ना कोयटा वाले भी निस्वार लिए है, लेकिन जो वीलो का मजा है ना, टेक्नोलॉजी ने नई निस्वार बस निस्वार। क्या वो ना जुबान का चस्का जो था ना जिसको लग गया, कोयटा वाले भी पड़ी है मेरे पास। अच्छा, मगर वो फिर वो बड़े लोग खाते हैं, उनके लिए सूट सही है ना। हम भाई उसको कह रहे थे, ये अमर भाई को कह रहे थे यार, इनका नाम मेरे जेब से निकल जाता है, अमर भाई, अमर भाई, अमर भाई, हम अमर भाई को करते हैं विलो खाते हैं, हारिस ने हमें ये प्रोवाइड कर दिया डिंग डोंग बबल। लेकिन फिर भी विलो का जो मजा है ना, इनके मुंह को खून लग गया विलो का। ये जेब में गए, ये जेब में गई, और एक साथ जो है वो अपना व्लॉग बनाने के चक्करों में। चलो, ये विलो से ज्यादा बेहतर है। खबर
के बाद अपनी बिरादरी का कुछ मिल जाए। मियां साहब शुरू हो, मियां साहब छोड़ दे नहीं जान। मियां साहब बख्श दे नु, ताड़ी मेहरबानी। वफादार चीज है बेटे, तेरे जैसी नहीं है। बकवास बंद कर। किधर गया हारिस, किधर है? ओए कैसा दिया? बड़ा अच्छा। गन दिखाओ भाई। अब 3 घंटे से दिल्ली लोग जाट वाले काम कर रहा है व्लॉग में, हैं बूथा ले जाता है अपना फौरन। 3 घंटे लग जाने हैं। तू नैश पाया गया, तू ही तेरी वजह से। बच्चे बता यार इसको, भाई जन पहुंच गए हैं, शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, शुक्र। साहब इधर एक डॉग टॉमी शोमी पसंद आ गया भाई जान, तो मियां साहब यारी ला लियो ना। बस यारी वफादार चीज के साथ लगाई जाती है भाई। ये हमारी लोकेशन है। उमर सलीमुद्दीन साहब जो कि गलत लोकेशन लगा के हमें लेके आई जा रहा था। चल जिसकी लोकेशन है उसकी लोकेशन, लोकेशन ही गलत थी भाई। जो मैं लेके आया ना बंदा, जो मैं लेके आया बंदा वो आए पहली दफा है। अल्लाह का हुक्म। राफे भाई क्या हुआ? कमर दुख गई है यार मेरी, बूढ़ा हो गया मैं। ये हमारे क्रू का सबसे ना माल बच्चा है। और ये नहीं यार, इस तरह नहीं होना चाहिए यार। राफे किधर है? वो तो हो गया राफे। अब किधर दाढ़ी पे एक दो बाल थे ताकि ना वो जो है ना एक्सटेंशन पक जा रही है इसकी। ये नहीं दाढ़ी पे कर। अरे आज कर के दे गया कहीं गए ये टिश्यू नहीं, टिश्यू लेके नहीं आया। टिश्यू तो ले आया हूं, किसी डब्बा बड़ा। और कुछ चाहिए तो बताओ, दोस्त आने लगा उसको बोलता लेते आए। कोनी आ हमें शेख तैयार होते हुए आ जा। एक दांत ओए ध्यान से उंगली ना छिलवा ले। सब हो गया रेडी। और इनको नवील साहब पहना रहे हैं पग शग। ये की है करैक्टर है आपा दा। फिर है गए शूटिंग से ठीक है ना। ये कुछ हस इब्राहिम हुक्का शुक्का आ गया देसी वाला मूल। तो कितना ही है मेरा पतला वे। ये हमारा डीओपी साहब बैठा तो सही है, बैठा के अहमद आफ्टर मेकअप। नहीं नहीं ऐसे नहीं, पागल तो नहीं है ऐसे ऐसे। अब इधर आओ ऐसा भी तो देखो, ये आग शाग लगी है अभी। इधर हमारे उमर और मियां साहब लगे हुए हैं कैमरे की सेटिंग शेटिंग करने। भाई क्या मसला तो नहीं आ रहा कोई? नहीं अभी तक तो कोई मसला नहीं आ रहा, अगर मसला आएगा तो आपसे रابطہ करेंगे। मैं मैकेनिक थोड़ी हूं भाई, अभी हम 4 घंटे लगा के वापस जाएंगे मसले हल करने। मियां साहब ऐसा तो नहीं होता जी बिल्कुल। ये ठीक है भाई, चाय शाय आ गया, हमने चाय उठा भी लिया। थैंक यू अंकल हमें चाय पिलाने के लिए। और थैंक यू इब्राहिम। वो तीन बंदे का ध्यान नहीं मेरे पे, मैं और लोग में आ रहा हूं। हेलो भाई, वो बता दे भाई क्या बोलना है। है कोई एक बोला कुछ नहीं है, बोला कुछ नहीं। वो कह रहा बोल लो, बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर, बहुत मशहूर। जब आप यहां बैठे होंगे मियां साहेब, चाय क्या एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चाय है, बहुत अच्छी चाय है, खालिस चाय है ना। बांजा और मामू बैठे हैं साथ। ओके ये हमारे ना मेन कैरेक्टर है। डायलॉग्स हो जाए फिर जरा मामू वाला। अस्सलाम वालेकुम बांजे, क्या हाल है? मामू मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक बेटा, बैठो। मामू कब तक है? इसके साथ जाती हुई है शादी क्यों नहीं कर रहे? ये मजबूरी बहुत गंदी मजबूरी है। इस बंदे से ना लास्ट फिल्म में हमने, इसने 9 बजे रात को शुरू हुआ और रात का 1 बज गया, इसे एक सीन नहीं हुआ। और ये वो इंसान है, और ये भांजा मेरा, ये मामू है, ये भांजा। भांजा जी बताइएगा जरा आप। भांजा सेठ आलम को मारना चाहता था अपने मामू को, लेकिन मैंने मारता। इतने रीटेक लिए भांजे नु मारता है यार, कसम। मजा आया, मजा आया, जो भी हो रहा है मामू के साथ मजा आया, मामू के साथ मजा आया। ते मामू फिर एंजॉय करवाते हैं ना। लो जी शूटिंग टाइम भाई, मुझे पुलिस वाला बनाया गया हवलदार, ठीक है? तो शूटिंग हो गई है, अब कैमरा शैमरा ओके है, और बाकी अब उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। ये पटूरा बैठा हुआ यार, ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने हमें घुमाया होगा कसम। नहीं मैं खुद घुमाऊंगा।
ये बंदा साउंड पढ़ के आवाज आ रहा है यार, बोलो ना ऐसे तो। चलो बाकी देते रहेंगे अपडेट जो जो है। ये दिस वन चोर शकूरा। चोर नहीं हूं भाई शकूरा, आज भटूरा बनते हुए तैयार है। कसमें उदो मैं इन दलाल समझने ने और कुछ नहीं समझने दलाल है। एक्शन चलो एक्शन रात के 3 बज गए और ये बंदा हमें अभी फ्री कर रहा है। हाँ तो और क्या चाहते हो आप मेरे से? तू तू बता भाई तू क्या चाहता है? मैं चाहता था कि फिल्म A1 लगे। A1 भाई वो ना मैं अपने बायो में लिंक दे दूंगा जब फिल्म वगैरह एडिट हुई या अगले ब्लॉग में दे दूंगा। ठीक है अहमद भाई जब एडिट हुई तो अगले ब्लॉग तक हो जाएगी एडिट, बल्कि एडिट तो हो जाएगी टाइम से। क्या पहले शूट तो पूरी हो जाए। शूट होगी पूरी, अब हम जा रहे हैं घर। रात को 3 बजे शूट होता भाई ये। हेलो एक ये बंदा है, हमारे सारे बंदे सो चुके हैं और हमें भी तबाही की नींद आई, तबीयत खराब है। मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ कहाँ दर्द हो रही है। और मियाँ साहब तो भाई जी भाई जान भैया क्या कर रहे थे आप? तो सो गए थे यार? नहीं भाई जान ऐसा तो नहीं होता यार, पहले हमने खाना भी खाया था मगर रूम में डालना भूल गया। हेलो हाँ जी क्या हुआ आपके साथ? इसे गुस्सा आ रहा था, हम क्या करें गुस्सा आ रहा था इसको नवाब के बच्चे को भाई। हम पे हमें गर्म हो जा रहा है, तुम मुझे उठा रहे हो ये वो। ठीक है माना भाई तू हॉस्पिटल जाता है, दरअसल जॉब शॉप करता है ना लौंडा, माल पैसे शैसे कमा रहा है। रहमत भाई सानू नींद नहीं आती, तुसी कह दो भाई के सानू मेनू नींद आ रही है मेनू सौन दो, कि ताडे सारे असि भी थोड़ा जिहा आराम कर लांगे। नो प्रेशर था मुझ पे एक्टिंग का तो मैंने इसलिए नींद ही नहीं आ रही थी बस। इन्हों नींद नहीं आ रही थी साड़ी ऐसी ऐसी पी रही थी। तो बाकी अब पैकिंग शैकिंग करते हैं फिर निकलते हैं लाहौर को। तो अमर भाई क्या हाल है आपके? यार ये बंदा इतना शरीफ है ना, इसको इतनी ठंड लग रही है ना, इसकी जैकेट देखो, इसको जैकेट नहीं पहना, जैकेट पहन के सोया हुआ था। ये हमारा डायरेक्टर है, फिल्म का डायरेक्टर जी भाई। इसने मेरे से काम नहीं लिया, काम बिल्कुल नहीं लेता ये डायरेक्टर साहब की। इसने हमारी ना खूबी ली है, ये डायरेक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी है ये। अब खड़ा हुआ है सो जाए। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, तुम लोग एंड करता सी भाई। एक और बात आपको बताता हूँ, एंड नहीं किया था भाई, क्या हो गया? लोग एंड करके फिर शुरू हुआ तो कपड़े आ रहे हैं। ये कॉस्ट्यूम है, दो दो भी नौकर एक दूसरे की ले रहे हैं। एक और बात की बताता हूँ, हमारा डायरेक्टर है, इसको 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। 5 मिनट नहीं ये सो जाता है, बताता भी नहीं है, सो जाता है। वाह जी वाह, ये व्लॉग इधर ही एंड हुआ, कल के व्लॉग में मिलेंगे। सलाम अलैकुम।